इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो है तीसरा भाग है, यानी थर्ड पार्ट है। इस तीसरे भाग से पहले आपने पहला या दूसरा भाग इसका नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और ये दूसरा भाग है, तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं दूसरे भाग की। तो देखिए दोस्तों, सबसे आज का पहला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले, है ना। पहला ऑप्शन है कि सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है, यानी जो आज का दिन है वो आज का जो आज दिन है वो दिन और टाइम बिल्कुल सही है, और जीपीएस को ओदिनेट कैप्चर करें। और तीसरा, क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, यानी पहला सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा है जो तारीख और समय जो है वो बिल्कुल सही है, और इसके बाद GPS को ओदिनेट करें, और चौथा ऑप्शन है कि सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार हैं। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसंख्या की जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुविधा शुल्क। ओके, इसके बाद निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन सही, अपडेट क्लाइंट लाइट, यानी अद्यतन क्लाइंट लाइट। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए जो कि बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 साल और 15 साल। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है नामांकन या आगतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, नामांकन या आगतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है और समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, और सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। ओके, ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसका सही है, यानी ये दिए गए सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। ओके, इसके बाद एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन सही है, केवल नामांकन या आगतन करना। ओके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसंख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ECMP। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र में से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए? तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? ओके, इसमें दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, सेकंड है दूसरी लाइन में लिखा है परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तीसरे में लिखा है परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, और चौथे में लिखा है परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और पाँचवें में लिखा है परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकता है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला दूसरा चौथा और पाँचवा। देखिए, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, और दूसरा परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और चौथा परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और पांचवा जो है वो परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है ना, POI प्रूफ ऑफ एड्रेस, और है ना POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, और POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल सच है,
ओके, ये दोनों मेल खाने चाहिए, जो दोनों पे नाम लिखा है वो दोनों जो है मेल खाने चाहिए। आइए चलते हैं अगले पर्सन की ओर दोस्तों, अगला पर्सन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पर्सन है वो है कि किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही है, परिवार का मुखिया। ओके, जिसका नाम केयर ऑफ में जाता है वह परिवार का मुखिया होता है। और बच्चों के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? दोस्तों ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, माता पिता का आधार नंबर। ओके, इसके बाद है निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद कर ना। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है वो ये है कि परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निवासी यानी रेसिडेंट। ओके, इसके बाद है प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है, वो है दोस्तों इनरोलिंग एजेंसी कोड। ओके, तो इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लेखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा डैश का पालन करेंगी, तो दोस्तों आचार संहिता का पालन करेंगी। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही है, एक लिखित सहमति देना। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार क्षेत्र सत्र के क्रियान्वयन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सच। ओके, और रजिस्ट्रार CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, झूठ। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, झूठ। ओके, इसके बाद है अगला प्रश्न सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, वो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निवासी। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद है प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा कौन? तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओपन री प्रोसेस यानी ओपन री प्रक्रिया। ओके, इसके बाद रजिस्ट्रार क्षेत्रीय सतर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने, ये शायद दोस्तों गलत प्रिंटिंग हो गई होगी, रख लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। दोस्तों बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी को उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। तो दोस्तों इसका पहला तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, CIDR। ओके, अगला प्रश्न है नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सच, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और आगतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सच, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासी के नामांकन और आगतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझौता ज्ञापन या समझौते, याद रखिएगा, समझौता ज्ञापन या समझौते। इसके बाद है डैश क्षेत्र सत्र निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रार। ओके,
रजिस्ट्रार जो है दोस्तों वो जो है क्षेत्र सत्र निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, यानी रजिस्ट्रार जो है इसका उत्तरदायी होगा, यानी कोई दिक्कत दिक्कत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सी आई डी आर, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है सी आई डी आर। इसके बाद है प्राधिकरण एक एक प्रदान करेगा जिसका उपयोग कर डैश सॉरी प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार सी आई डी आर के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोध कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नामांकन एजेंसी कोड। ओके, इसके बाद है चौथा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नामांकन एजेंसी याद रखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न वो है प्राधिकरण एक एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगा। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पैनल के लिए अनुरोध। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है वो ये है कि अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्काल निलंबन याद रखिएगा, तत्काल निलंबन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए सभी विकल्प रजिस्ट्रार एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना और नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी। इसके बाद अगला प्रश्न है वो ये है डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अन्य सेवा प्रदाताओं। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब रिकॉर्ड दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सही है, लेखा परीक्षा यानी ऑडिट। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है पंजीयक अपनी वेबसाइट पर नामांकन और आगतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेगा जिसमें डैश के लिए उपलब्धित व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निवासी याद रखिएगा, निवासी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्थाएं हैं। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए सभी। ओके, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार केंद्रीय मंत्रालय और विभागों उनके अधीन एजेंसियां और केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और सहित विनियम संस्थाएं। इसके बाद अगला प्रश्न वो है रजिस्ट्रार एजेंसियों को, देखिए दोस्तों यहाँ से जो हम कल स्टार्ट करेंगे यानी कल शुरू करेंगे, एक्चुअली बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो कल हमारा चौथा भाग यहाँ से आएगा। ओके, तो चौथे भाग